नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज का दिन हिंदू संस्कृति में परम पवित्र दिवस के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है वर्ष भर में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुण्यदायक पुण्य प्राप्त करने लायक एकादशी होती है वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी ही होती है। और आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी भारतीय संस्कृति में मनाए जाने की परंपरा है। मित्रों, शालिग्राम जी पर आने से पूर्व चूंकि हमारी संस्कृति में यही कहा गया है, जब कभी किसी पूजा का या किसी ज्ञान का प्रारंभ होगा वो गणपति जी से ही होगा। गणपति सर्वप्रथम पूजनीय हैं भारतीय संस्कृति में। गणेश जी से ही प्रारंभ करना चाहूंगा। आप लोगों ने ये कई बार सुना होगा और शायद इसे अपने जीवन में उतारा भी होगा। तुलसी एक ऐसी चीज है जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है और हमारे यहां हिंदू धर्म में जब भोजन बनता है सबसे पहले परमात्मा को ही प्रसाद के रूप में समर्पित किया जाता है। और कहते हैं तुलसी दल के बिना कभी भी परमात्मा विष्णु भगवान भोग नहीं लगाते। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है, जब कभी गणपति की पूजा होती है या गणपति जी को प्रसाद समर्पित किया जाता है उसमें तुलसी दल का उपयोग निषेध कहा गया है। जी हां, गणपति पूजा में और गणपति प्रसाद में भारतीय संस्कृति में तुलसी के उपयोग को वर्जित कहा गया है। यही से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। क्या कारण है? जब कोई भी प्रसाद किसी मंदिर में समर्पित होता है तुलसी दल के बिना समर्पित नहीं होता, लेकिन गणेश जी को तुलसी दल कभी समर्पित नहीं किया जाता। कहा जाता है एक बार गंगा किनारे गणेश जी तपस्या में मग्न थे। गंगा के किनारे बैठकर एकांत में तपस्या में मग्न थे, लेकिन जो उनका सिंहासन था रत्न जड़ित सिंहासन और गणेश जी का आकर्षक स्वरूप वो तो तपस्या में कहीं जाने वाला नहीं था। तुलसी वृंदा अपने विवाह के लिए स्वयं अपने वर की खोज में निकली थी। अनेक तीर्थ स्थानों पर गई, कहीं संतुष्टि उनको नहीं मिली। गंगा के किनारे जैसे ही पहुंची उन्होंने देखा कि एक नौजवान रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा हुआ तपस्या में तल्लीन है। उस समय गणेश जी का स्वरूप इतना मनमोहक था कि शायद कोई भी स्त्री उन पर मोहित हो ही जाती। और जब स्वयं तुलसी वृंदा ने उनको देखा था तो वो भी मोहित हुए बिना रह नहीं पाई थी। तब उन्होंने गणेश जी का उपहास किया था। सिर्फ इसलिए, वो ये नहीं चाहते कि गणेश जी का उपहास किया जाए, इसलिए उपहास ताकि गणेश जी की दृष्टि वृंदा तुलसी पर पड़े और शायद गणेश जी भी मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव स्वयं रखते। लेकिन जब वृंदा ने उपहास किया तो गणेश जी की तपस्या में, जो गणेश जी तपस्या में तल्लीन थे, वो तपस्या भंग हो गई थी। और जब कोई पूर्ण तल्लीनता से किसी भी तपस्या में भंग होता है और उसकी तपस्या टूटती है किसी वाहे कारण से, क्रोधित होना स्वाभाविक है। गणेश जी भी क्रोधित हो उठे थे और गणेश जी ने वृंदा को देखकर कहा था कि तुमने मेरी तपस्या को भंग क्यों किया है? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा विवाह राक्षस कुल में होगा, तुम्हारी संतान राक्षस होगी और यदि तुम्हें पूजा भी जाएगा कभी नारी के रूप में नहीं, एक पौधे के रूप में ही पूजा जाएगा। ये शास्त्रों में कही गई कहानी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक समुद्र मंथन की घटना
हमारी भारतीय संस्कृति में आती है। समुद्र मंथन से एक राक्षस उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था जालंधर। कहा जाता है तुलसी भी वैसे राक्षस कुल से ही थी, ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और संयोग से जब गणेश जी ने स्वीकार कर दिया था तब जालंधर नाम के राक्षस से तुलसी का विवाह हुआ था। और जालंधर कोई साधारण राक्षस नहीं था, बहुत ही बलशाली राक्षस था। यानी जालंधर को हराना एक प्रकार का चुनौती भरा कार्य था। एक बार राक्षसों ने सभी देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और उस समय जालंधर जब अपने घर से निकले, तुलसी अपूर्व पतिव्रता थी, पतिव्रता का मतलब चूंकि जालंधर से उनका विवाह हुआ था, उन्होंने जालंधर की रक्षा के लिए एक अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर रखा था। लेकिन उस समय भी तुलसी विष्णु की भी अपार भक्त थी। जब जालंधर युद्ध के लिए निकले तब उन्होंने वृंदा ने पतिव्रत धारण कर लिया था। और मैंने आपसे कहा जालंधर बहुत शक्तिशाली राक्षस था, और वृंदा जालंधर को विदाई देने के बाद जब पहले से ही विष्णु की भक्ति और युद्ध में जाने के बाद और भक्ति में तल्लीन हो गई विष्णु के, तब जालंधर की शक्ति और बढ़ती गई। जब जालंधर की शक्ति बढ़ती गई और देवताओं को ऐसे लगा कि शायद अब राक्षसों को पराजित करना असंभव लग रहा है, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने जाकर अपनी व्यथा सुनाई कि जालंधर नाम का जो राक्षस है उसमें इतनी अपार शक्ति आ गई है कि उसको पराजित करना अब देवताओं के लिए एक असंभव कार्य हो गया है। भगवान विष्णु देवताओं की इस स्तुति के दो प्रार्थना के दो विचलित हो गए थे। तब उन्होंने जालंधर का स्वरूप धारण किया और वह जालंधर के घर गए, और जो तुलसी वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी लेकिन जालंधर के प्रति समर्पित होने के कारण, प्रतिव्रता होने के कारण, उनके विजय कामना के लिए भगवान विष्णु की उपासना में तल्लीन थी, जब भगवान विष्णु जालंधर स्वरूप में वृंदा के पास गए तब उन्होंने समझा जालंधर विजय प्राप्त करके आ गए हैं। उनका पतिव्रत भंग हो गया और पतिव्रत भंग होने के कारण से जालंधर को पराजित होना पड़ा। वैसे तुलसी विष्णु की परम भक्ति, जब उनको मालूम चला कि मेरे पतिव्रत को भगवान विष्णु ने छल से समाप्त किया है, तब उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि अब आप मानव नहीं पत्थर के रूप में बन जाएंगे। जब वृंदा ने, जिनकी वो पुजारी थी, भक्त थी, लेकिन चूंकि पतिव्रता का उन्होंने समापन करवा दिया था, तब वृंदा श्राप देती हैं और भगवान विष्णु जब पत्थर के स्वरूप में आते हैं तब सभी देवता द्रवित हो जाते हैं कि हमारे कारण से भगवान विष्णु पत्थर के स्वरूप में जा रहे हैं। तब देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की थी कि कृपया इस श्राप से मुक्ति दी जाए, लेकिन चूंकि श्राप दे दिया गया था मुक्ति तो नहीं दी जा सकती थी। लेकिन तब वृंदा ने ये निर्णय लिया कि मैं विष्णु के साथ ही सती हो जाऊंगी, और वो वही सती हो गई थी। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तो उन्होंने पत्थर बनने का एक श्राप दे ही दिया था, स्वयं जब भस्म हुई थी पतिव्रता होने के नाते, तब जो राख थी उस राख में से एक पौधा उत्पन्न हुआ था जिसको तुलसी कहा जाता है। और तुलसी और शालिग्राम दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया था, लेकिन दोनों का कलयुग में विवाह करवाना हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के लिए एक पूजनीय है, एक परम पवित्र कार्य है। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इससे परिवार में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। यही एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने लेकर आया था। नमस्कार।